क्वेश्चन नंबर थ्री इज डन, आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर फोर, वो क्वेश्चन नंबर फोर होमवर्क, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर होमवर्क। द फॉलोइंग बैलेंसेज अपियर इन द बुक्स ऑफ मेसेस लक्ष्मण लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। चलो फर्स्ट वन दिया डेटर्स, कहाँ जाएगा आपका करंट एसेट्स क्विक, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा अभी मैं सिर्फ मैं ही नहीं बोलूँगा, आप लोग को भी वहाँ से बोलना है, जरा थोड़ा मेरे को भी हेल्प करो। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज नॉन क्विक, पब्लिक डिपॉजिट्स। अच्छा पब्लिक डिपॉजिट्स इज लाइक बोरोड फंड्स, लोन फंड्स, तो आपका चला जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स के अंदर बोरोड फंड्स में, पब्लिक सेक्टर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था। बिल्स पेएबल इज योर करंट लायबिलिटीज क्विक। अच्छा याद रखो खाली कि करंट लायबिलिटीज में ओनली बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉन क्विक, बाकी एवरीथिंग इज क्विक। आपको अगर किसी को पेमेंट देना है राइट, आप पेमेंट देने जाओगे तो ना बोलेगा वो आपको ना, ले लेगा फटफट तुमसे। तो ईच एंड एवरी करंट लायबिलिटी इज अ क्विक लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये याद रखना आप शॉर्टकट। देन यू हैव जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट क्विक, कॉस्ट क्विक, आप डिस्काउंट कर सकते हो बैंक के साथ में उसको, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बाय बैंक करते हो ना, क्या हो गया वो आपका क्विक। व्हीकल्स फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल, 10% प्रेफरेंस है कैपिटल, कहाँ जाएगा आपका कैपिटल में जाएगा। अच्छा आगे देखो, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नॉट येट रिटर्न ऑफ, तभी तो बैलेंस शीट में दिख रहा है अपने को, तो ये क्या हो गया आपका लॉस, फिक्टिशियस असेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज, बैंक लोन कहाँ जाएगा बोरोड फंड्स, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स क्या कहता हम लोग ने इस बार कहाँ लिखा था हम लोग ने, सेम टू सेम वहाँ पे लिख देना है आपको। करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो क्या हो जाएगा वो नॉन क्विक। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज क्विक, कैपिटल रिजर्व रिजर्व सरप्लस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना, दिस विल बी गोइंग टू इन्वेस्टमेंट, हाँ ये आपका कहाँ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी क्विक, कैश एट बैंक क्विक करंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अगेन इट इज अ रिजर्व सरप्लस, अभी तो बाय हार्ट हो गया हम लोग को। स्टॉक करंट एसेट्स क्विक नॉन क्विक सॉरी क्या नॉन क्विक। देन यू हैव लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल में जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नॉट येट रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट, डिबेंचर्स लोन फंड्स, प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटीज में प्रपोज प्रोविजंस में जाएगा, एंड एडवांस टू सप्लायर्स इज अपने एडवांस दे दिया है सप्लायर्स को, अपना एसेट हो गया ना अपना एसेट करंट एसेट्स में चला जाएगा। चलो ये आप लोग का होमवर्क ठीक है, बाद में करना आप लोगों से ठीक है। अच्छा नाउ विल प्रोसीड, अच्छा यू आर वेरी कंफर्ट विद द बैलेंस शीट नाउ, सो अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखने वाले अबाउट द वर्टिकल P&L स्टेटमेंट। चलो रब कर दिया मैंने, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्टिकल P&L अकाउंट, या आई वुड से रेवेन्यू स्टेटमेंट। शॉर्ट में आप लोग को बताया था, याद है आप लोग को शॉर्ट में क्या बताया था, सेल्स माइनस COGS क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर मैं ऐड लेस करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस क्या मिलेगा मेरे को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग हो गया फिर नॉन ऑपरेटिंग, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या मिल जाएगा मेरे को, फिर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एकदम सिंपल। अच्छा अभी हम लोग को एक एक को लेना है एंड डिटेल में पढ़ना है। सेल्स इसमें क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स लेस रिटर्न्स ऑल दैट विल कम, सेल्स लेस लेस करेंगे हम लोग COGS, व्हाट इन बाय COGS क्या होता है, COGS क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सर वो तो पता है बट उसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब दिस वॉज द एक्सपेंस दैट यू हैव इनकर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन शॉर्ट, दिस आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। ना एग्जाम्पल आपने सेल किया 1 लाख रुपीज का,
आपका एक्सपेंसेस था गुड्स के पीछे 60,000, सो व्हाट इज द प्रॉफिट 40, कैसे आया 1 लाख माइनस 60, क्या मिला 40, तो ये क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा उसके ऊपर है ना आपने कोई कमीशन वमीशन पे किया, टेक एन एग्जांपल 10,000, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 40 माइनस 10 30, तो आई कैन नॉट से माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 30, ना माय नेट प्रॉफिट इज 30, माय ग्रॉस प्रॉफिट इज हाउ मच यू नो 40, आर वी गेटिंग इट, मतलब सीओजीएस विद इंक्लूड यू नो व्हाट एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, विच आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या था उसका फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस फॉर दैट लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक, इन जो वो ट्रेडिंग अकाउंट था ना हमारे पास में, ट्रेडिंग अकाउंट, तो सेल्स यहां पे था क्रेडिट साइड पे, परचेज ओपनिंग स्टॉक एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे था, उसको ऐड कर लिया हम लोग ने ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक था ना सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोग ने, तो क्या मिला मेरे को जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज सी ओ जी एस को सब्ट्रैक्ट किया, तो सी ओ जी एस मतलब मालूम है क्या, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस। अच्छा अभी ऐसा बोलूं मैं, आपके पास में 10,000 का गुड्स पहले से पड़ा हुआ था, कितने का 10,000 का, आपने और परचेज किया 1 लाख रुपी का, कितना हो गया 1,10,000, जिसमें से आपने 20 का सेव कर लिया, बच गया, सेव नहीं किया बच गया, 10 था 10,000 का था 1 लाख आ गया, 1,10,000 हो गया, जिसमें से अभी तक ना 20 का बिका नहीं है, 10 प्लस 1 लाख दैट इज 110, जिसमें से 20 का अभी तक नहीं बिका, मतलब हाउ मच इज सोल्ड 90, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज हाउ मच 90, ये तो बता रहा हूं मैं आपको कब से। अच्छा इसको मैं कंपेयर करूंगा मालूम है किससे, सेलिंग प्राइस से, समझो माय सेल्स वाज 150, तो मेरा प्रॉफिट क्या हुआ 150 माइनस 90 दैट इज 60, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्या कहेंगे हम लोग इसे ग्रॉस प्रॉफिट, आर वी गेटिंग द थिंग्स, मालूम पड़ रहा है आप लोगों को मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, तो जीपी कैसे आएगा सेल्स माइनस सीओजीएस। अच्छा फिर बाद में क्या बोला था, एड ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एड ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तीन तरह के थे, ऑफिस सेलिंग फाइनेंस, तीनों दिन को ऐड कर दो क्या मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस कर दो ना उसको क्या मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही है, फिर ऐड लेस करो नॉन ऑपरेटिंग, आपको बताया मैंने, आपको पूछा भी था मैंने व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, बोला था ना, पूछा था मैंने आप लोग को, मतलब क्या ऑपरेटिंग मतलब क्या रिकरिंग इन बिजनेस एंड विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस, आप लोगों ने रॉन्ग किया था उसके अंदर, आपने भी रॉन्ग किया था भाई साहब, तो वो माइंड ब्लॉक हटाना है आप लोग को, विच इज रिलेटेड टू बिजनेस ना, सेल से रिलेटेड है ना, तो ऑपरेटिंग है बस खत्म, डिस्काउंट ऑपरेटिंग है, बैड डेट्स ऑपरेटिंग है, तो बार बार बैड डेट्स होता है बट इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सो व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, इश्यू ऑफ शेयर्स का कुछ एक्सपेंस है वो रिटर्न ऑफ हुआ, बराबर है कि नहीं है, मालूम पड़ रहा है सही है वंडरफुल, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, लेस कर दो क्या मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स क्या मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सही है। अच्छा उसके बाद में कुछ डिविडेंड विविडेंड दिया मैंने, शेयर होल्डर्स है ना प्रॉफिट हुआ है देखा है प्रॉफिट है तो डिविडेंड देना पड़ेगा, लेस डिविडेंड दे दिया डिविडेंड हम लोग ने उसको, वी अप्रोप्रिएटेड द डिविडेंड, डिविडेंड को देना होता है ना उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन, दे दिया क्या मिलेगा मेरे को रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस द डिविडेंड, तो क्या मिला मेरे को रिटेन्ड अर्निंग, मतलब इतना मैं अपना पैसा है ना अपने पास रखने वाला हूं, बच गया है रिटेन्ड, क्या रिटेन्ड, फॉर्मेट समझा आप लोगों को शॉर्ट में, अभी डिटेल में हम लोगों ने किया उसे
अभी खाली प्रेजेंट करना है. विल डू अ कपल ऑफ क्वेश्चन और आपको आ जाएगा इसका. सही है, चल करते हैं. अभी पेज टर्न करो आप लोग, वहां पे आपको वर्टिकल बैलेंस शीट का, वर्टिकल पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट दिखेगा. अब जब ट्रेन में जाओगे ना घर पे तभी पढ़ लेना उसको. ठीक है, तू घर पे आएगा ना अभी ट्रेन में, तो उसमें पढ़ने का तेरे को डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमने डिस्कस कर लिया है. आप लोग देख लेना उसे. एक और पेज टर्न करो, आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा. क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा आई हैव केप्ट दिस क्वेश्चन विच इज लाइक बेसिकली टिल सेल्स COGS एंड GP. ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ GP तक ही है, थोड़ा मालूम पड़ जाएगा हम लोगों के कैसे होता है COGS का वर्किंग. सही है, चलो आई रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेसेस दादा एंड कंपनी इन द फॉर्म सूटेबल फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस. ओके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग को रीअरेंज करना है. मीन्स दे आस्क यू टू फाइंड कैलकुलेट द COGS इन शॉर्ट. चल आगे देखो, पर्टिकुलर टू द डेबिट साइड, टू ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. हाँ, ये तीन क्या होता है, आपको कॉस्टिंग में पढ़ाई होगा, आपने सर ने बताया होगा आपको कॉस्टिंग के अंदर. जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं शर्ट्स का, मेरा फेवरेट है ऐसा शर्ट वर्ट्स का, तो शर्ट का एग्जाम्पल देता हूँ मैं. ये शर्ट बनाने के मेरा मैन्युफैक्चरिंग है शर्ट का, तो मैं क्या करता हूँ, ये शर्ट को बनाने के लिए आई हैव अ क्लॉथ, वो कपड़ा ले लिया मैंने, रॉ मटेरियल हो गया मेरे लिए, कपड़ा लाऊंगा रॉ मटेरियल. अच्छा, ये कपड़े को क्या करूँगा मैं, कन्वर्ट करूँगा उसको शर्ट के अंदर. तो ऐसा तो है नहीं कि जब तक एक शर्ट बना नहीं तब तक दूसरा शर्ट हाथ में ले लूँगा ना. तीन चार लोगों को रख दिया मैंने, एक बंदा कट करता है, दूसरा बंदा स्टिच करता है, तीसरा बटन वटन से एंड ऑल दैट वो करता है, कप्स एंड ऑल बनाता है, फोर्थ वाला आयन करके पैक करता है. सही है, तो क्या हुआ मालूम है, ईयर एंडिंग के टाइम पे पता है क्या हो गया, कि कुछ शर्ट्स को कट कर दिया था, स्टिच कर दिया था, बट बटन्स और कप्स नहीं लगाए थे. तो ये तो ना ही रॉ मटेरियल रहा ना ही फिनिश गुड्स है, फिर तो है तो मेरा एसेट ही ना. इसे हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. क्या बोलते हैं हम लोग इसे, वर्क इन प्रोग्रेस. कहाँ रहेगा ये, फैक्ट्री में रहेगा, ये भी मेरा एसेट है ना. आई कैनॉट कॉल इट एज अ फिक्स एसेट फिनिश गुड्स बिकॉज इट इज नॉट फिनिश्ड ना. आई कैनॉट कॉल इट एज अ रॉ मटेरियल बिकॉज वो अभी तक वो कट हो चुका है, प्रोसेस में आ चुका है वो. तो थ्री काइंड ऑफ एसेट्स, स्टॉक्स मतलब करंट एसेट स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स. समझा, ओके. तो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएगा, COGS में आएगा. ओपनिंग स्टॉक दे दिया, ठीक है, देन यू हैव परचेज रॉ मटेरियल, ऐड कर देंगे ना हम लोग रॉ मटेरियल परचेज में, क्या कर देंगे ऐड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देन यू हैव फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट ड्यूटी, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री रेंट, ऑल सब का सब क्या है मालूम है आप लोग को, एक्सपेंसेस फॉर वॉट, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन शॉर्ट. तो क्या करेंगे हम लोग, सब ऐड करेंगे, सब का सब क्या कर देंगे ऐड. डेप्रिसिएशन भी ऑन प्लांट ऑन मशीनरी उसको भी ऐड कर देंगे, डेप्री ना मशीन के बिना कैसे वो बनेगा, इंक्लूड्स ऐड कर देंगे हम लोग. जीपी, ओके जीपी दे दिया आपने को, अपन तो वैसे ही फाइंड करने वाले ही है. बाजू में आ जाओ, सेल्स, ओके, देन दे हैव सेड सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप. अच्छा, अभी मैं ये शर्ट बनाता हूँ ना तो कट कर तो थोड़े बहुत चिंदे निकलते हैं, यू नो चिंदीज एंड ऑल, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता ना स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स एंड ऑल, उसको चिंदी बोलते हैं. उसको क्या करूँगा, कलेक्ट करना है, उसको भी हम लोग सेल कर सकते हैं. हम लोगों ने सेल कर दिया, हम लोग ने उसे सेल कर दिया, उससे इनकम हुआ, उससे मेरे को इनकम हुआ. टेक एन एग्जाम्पल कि 100 रुपी क्लॉथ के हिसाब से मैं समझो 1 मीटर ही लाया, 1 मीटर तो मेरा कितना कॉस्ट हुआ 100. अच्छा, उसमें से ना कुछ कपड़ा हम लोग का बच गया तो उसको मैंने बेच दिया. टेक एन एग्जाम्पल 10 रुपीज में, कितने में 10 में 100 रुपी मैंने पे किया कॉस्ट, 10 रुपीज रिकवर हो गया ना इनकम. तो मेरा एक्चुअल खर्चा पता है कितना हुआ, 100 गया 10 आया, मतलब मेरा एक्चुअली जेब में से 90 रुपीज जा रहा है. आर यू गेटिंग इट, पक्का. तो हम लोग क्या कर देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप को सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, इतना मेरे को इनकम हो चुका.
समझा, मेरा कॉस्ट क्या कर देगा वो, रिड्यूस. आर वी गेटिंग इट? वंडरफुल. नेक्स्ट देव सर क्लोजिंग स्टॉक. ऑफकोर्स तीनों तीन का आएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स का, एंड डन. तो हम लोग खाली छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, इतने पेज में हो जाएगा अपना, तो यहीं पे हो जाएगा, राइट? करें हम लोग इसे, चला जा. क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. आप लोग लिखेंगे नहीं है अभी, इट्स अ वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर आई वुड से रेवेन्यू स्टेटमेंट विद दैट रेवेन्यू स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 5 चल. फर्स्ट वन दे हैव सेड ओपनिंग स्टॉक. अच्छा यहाँ पे दे हैव 3 ना, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. सो हम लोग तीनों दिन का अलग अलग बनाएंगे. और देखो कैसे करना है हम लोग को, यहाँ पे देखो सेल्स, उसका अमाउंट हम लोग बाहर ले लेंगे आउट ऑफ कॉलम में, सही है? देन वी राइट लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इस पे 3 आएगा, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू आई पी एंड द फिनिश गुड्स. तो हम लोग पहले निकालेंगे कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स. द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, वो कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक, फर्स्टली द ओपनिंग स्टॉक एड purchases of raw material, opening stock plus purchases, मतलब पहले इतना था मेरे पास में और इतना आ गया, इतना cost में add हो जाएगा, plus the expenses for the purchase of raw material, उसके भी हम लोग amount ले लेंगे, ठीक है? तो we'll read the question now, चल. ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 72,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 72,000, और else we can write it in the outer column over here. And WIP and finished goods. So what we can do, you know, we'll leave some line over here for the purchase of raw materials. तब वो क्या मिल जाएगा? The amount for raw materials consumed. फिर आप क्या करेंगे? Add other expenses. होगा ना इसमें और भी expenses. उसको add कर देंगे. उसका हम total ले लेंगे एक. फिर add करेंगे हम लोग add opening stock of WIP less closing stock of WIP. तो हम लोग क्या मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब इतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हुआ है अपना. सही है? एंड देन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. Subtracted with closing stock of finished goods. फिर जो आंसर मिलेगा मेरे को COGS, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो विल गेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट. फॉर्मेट लिख दिया हम लोग ने, थोड़ा सा फॉर्मेट याद है हम लोगों को तो लिख दिया. अब हम लोग खाली इसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा आंसर खत्म हो जाएगा. शैल वी प्रोसीड? वंडरफुल. नेक्स्ट दे हैव सेड डब्ल्यूआईपी ओपनिंग स्टॉक 12,000 ओपनिंग स्टॉक, ये रहा, यहां पे लिख देंगे हम लोग 12,000 ओपनिंग स्टॉक. फिनिश गुड्स 48,000, तो यहां पे लिख देंगे 48,000.
God bless. Sorry. Next, purchase of raw materials 4,80,000. God bless. 4,80,000. ठीक है. Then expenses. अच्छा then they have said freight. That is an expense paid for purchase. तो यहां पे हम लोग ऐड कर देंगे फ्रीट. दे हैव सेड 12,000. ऑक्ट्रॉय अगेन 48,000. इंपोर्ट ड्यूटी अगेन ओवर यू 6,000. I mean, these are all the expenses which are incurred for the purchase of raw materials. तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, सही है? आगे बढ़ते हैं. Direct wages, direct expenses. तो ये सब expenses हैं यहाँ पे, which are incurred for the production. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग direct wages. Amount they have said is 1,20,000. Then they have said direct expenses. Amount they have said is 36,000. Then they have said factory power. Amount they have said is 24,000. Then there's a factory salaries. Amount they have said is 12,000. Factory repairs 36,000. Factory rent again over here. $60,000. Then they have said depreciation on machinery. Amount is $24,000. All the expenses एक साथ में मैंने यहां पे लिख दिया है. They have said no, in a row they have said all the expenses are there for the production. तो यहां पे लिख दिया मैंने, सही है? Add up बाहर लिख देंगे हम लोग. Then there's a gross profit 66. हम लोगों को मालूम है gross profit 66 ही आएगा. Directly लिख दिया मैंने बाहर 66,000. चला गया. Sales 9,00,000. Sales का अमाउंट यहां पे ऊपर 9,00,000. सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप तो ये यहां से लेस हो जाएगा. रॉ मटेरियल्स कंज्यूम लेस सेल ऑफ स्क्रैप. अमाउंट दे हैव सेड इज 6,000. सही है? रॉ मटेरियल का स्क्रैप बचा था ना, तो हम लोगों ने वहां से उसको सेल कर दिया, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा रॉ मटेरियल्स में से. They have said closing stock, raw material. I think I need to नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को. Again less. Closing stock of raw material. तो हमें क्या मिल जाएगा? Raw material consumed. Closing stock they have said is 60,000. उसे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, राइट? WIP 18,000. हियर आर WIP 18,000 क्लोजिंग स्टॉक. फिनिश गुड 72,000. क्लोजिंग स्टॉक 72,000 यहां पे.
क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, नेगेटिव में आएगा. अच्छा द स्टॉक का अमाउंट नेगेटिव में है, मतलब नेगेटिव स्टॉक नहीं होता. नाउ डोंट थिंक दैट, वो अपने दिमाग में मत लाना कि सर स्टॉक तो असेट होता है, असेट हाउ कैन एन एसेट हैव अ नेगेटिव बैलेंस. यहाँ पे इट्स लाइक हम लोग एसेट का नेगेटिव बैलेंस नहीं लिख रहे, हम लोग कैलकुलेट कर रहे द होल अमाउंट. ये तो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, वो तो डेबिट में लिखा जाता है, ये क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट में लिखा जाता है, तो उसको हम डिफरेंस ले रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? वो नेगेटिव में आ रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नेगेटिव हो रहा है ना, स्टॉक कैन नेवर बी नेगेटिव. आर यू गेटिंग द पॉइंट? खाली कैलकुलेशन में नेगेटिव आ रहा है, समझा? वो याद रखना आप लोग. चल अभी हो गया क्वेश्चन, अभी खाली हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है. चलो नाउ 12 + 48 = 50 60 कैंसिल, यहां पे कुछ नहीं आ रहा है, एक्सपेंसेस सब खत्म हो रहा है. ऐड करेंगे 480 + 72 अमाउंट इज 552. तो मटेरियल कंज्यूम इज 5,52,000 नेक्स्ट. और इट्स यू कैन राइट इज क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे भी बाहर भी अमाउंट लिख सकते हो, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन सबट्रैक्ट. सो प्रेजेंटिंग पार्ट, आप ये 60 को बाहर लिखो, फिर इसका टोटल बाहर लिखते सबट्रैक्ट करते, आपको आंसर वही आता 5,52,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम. अब इसको ऐड करो 120 प्लस, ये भी 60 हो जाएगा, प्लस 60 प्लस 12 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 24 312,000 एड अप 864 देन दिस नेगेटिव में आ रहा है माइनस 6,000 दिस विल बी 858 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 8,58,000 इसका भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है 48 माइनस 72 विल गिव यू 24 सबट्रैक्ट कर दो 858 माइनस 24 834 Now subtract this 834 minus 9 lakh and the answer is 66 which has to be 834 हम लोग ये लाइन में लिखेंगे COGST subtract. Are you getting it? ये नहीं लिखा तो भी चलेगा वैसे तो. Gross profit. Are you getting it? मालूम पड़ा आप लोग को? Copy कर लो. चलो copy करो इसे. क्वेश्चन नंबर 6 आई रीड द क्वेश्चन. अभी हम लोग फुल फ्लेश क्वेश्चन करेंगे पूरा. लेट्स रीड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समरी ऑफ वेल बैलेंस्ड लिमिटेड, कंपनी का नाम है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वर्टिकल इन